और इस बीच राजधानी दिल्ली में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। कल कोरोना के दिल्ली में 5 केस सामने आए थे। 60 सेकंड में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कोरोना को लेकर राजधानी दिल्ली में सावधानी बरतने का अलार्म बज चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को लेकर आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक 21 दिसंबर यानी कल कोरोना के 5 नए मामले आए, जिनमें एक मरीज की मौत हो गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण दर 0.19 ही है। पिछले 24 घंटे में महज 2642 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और 8 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के कुल 27 सक्रिय मामले हैं, जिनमें 19 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 3 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दिल्ली में औसतन लगभग 2000 से 3000 नमूनों की जाँच की जा रही है और नवम्बर महीने के आधा बीत जाने के बाद से मामलों की संख्या 20 से नीचे बनी हुई है। इसी बीच एम्स के कम्युनिकेबल डिजीज के प्रोफेसर संजय राय ने कहा है कि कोरोना वायरस 3 साल पुराना हो गया है। इसको लेकर हमने काफी एविडेंस इकट्ठा कर लिया है। हमने पाया कि जहाँ जहाँ नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वहाँ यह वायरस काफी प्रॉब्लम कर सकता है। म्यूटेशन के बाद भी जो लोग संक्रमित हुए हैं वो 3 साल तक प्रोटेक्टेड रहते हैं।